नमस्कार, स्वागत है आपका RIMC की कॉन्सेप्ट सीरीज में। आज है डे 27 और आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, देखिए हमें ये तो मालूम ही है, स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा स्पीड दी हो ओवर अ जर्नी, उस केस में हम लोग एक इक्विवेलेंट स्पीड निकालते हैं जिसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। और उस एवरेज स्पीड में भी देयर इज अ वैरायटी। उस एवरेज स्पीड में भी अगर टू इक्वल डिस्टेंस हमें दे रखा हो, सपोज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ए टू बी, ठीक है, ए टू बी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और फिर बी टू ए वापस आ रहे हैं हम लोग, तो ये जो दो पार्ट्स हैं हमारे ना, दे विल बी ऑफ इक्वल डिस्टेंस, डी किलोमीटर। ओके, और सपोज यहाँ पर जो हमारी स्पीड है, जब हमने ए टू बी ट्रैवल किया, इस डी किलोमीटर को जब हमने ट्रैवल किया, सपोज हमारी स्पीड थी वहाँ पर एक्स किलोमीटर पर आर और यहाँ पर हमारी स्पीड थी वाई किलोमीटर पर आर, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम आएगा, टाइम टी वन इज इक्वल टू डी बाई एक्स आर एंड द वैल्यू ऑफ टी टू इज इक्वल टू डी बाई वाई आर। ओके, टाइम अलग अलग होगा, स्पीड अलग अलग होगी, बट डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो दिस इज द केस ऑफ टू सेम डिस्टेंसेज और यू कैन से टू इक्वल पार्ट्स। ओके, इस केस में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप प्लीज़ ये मत कीजिएगा कि स्पीड को ऐड करके अपॉन टू कर दिया। देखिए, स्पीड का जनरल फॉर्मूला तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, तो एवरेज स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होने वाला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होने वाला है। लेकिन लेकिन यहाँ पर आ जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्यों मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भैया दो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेज हैं। क्यों मैं टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों डिस्टेंसेज को ट्रैवल करने में दो अलग अलग स्पीड्स इन्वॉल्व हुई हैं और दो अलग अलग स्पीड्स में दो अलग अलग टाइम आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर डी और डी टू डी हो जाएगी अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर देखिए, टी वन प्लस टी टू मतलब डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई, इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, एक्स वाई, एक्स वाई विल गो इन द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा टू डी एक्स वाई अपॉन डी, कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा वाई प्लस एक्स, इसको मैं एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, डी से डी कैंसिल। और अल्टीमेटली इन द केस ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इन द केस ऑफ टू इक्वल पार्ट्स एट टू इक्वल डिस्टेंसेज, याद रखना हमेशा, जो मेरी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। वट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये जो एवरेज स्पीड है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्पीड ओनली। यहाँ पर कोई डिस्टेंस और टाइम का रोल ही नहीं है। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई मेरी स्पीड्स ही तो हैं अलग अलग, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर स्पीड्स ओनली। तो ये जो टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आया है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल वेन देर आर टू इक्वल डिस्टेंसेज गिवन टू यू। इस कॉन्सेप्ट में आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, अ मैन ट्रैवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल किया, स्पीड कितनी है, सपोज डी किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आर, एंड वॉक्ड बैक। वॉक्ड बैक का मतलब है बी से फिर से ए में आया होगा। अब ए यहां नहीं दिखा रहा हूं, मैं आगे दिखा रहा हूं, अगेन डी किलोमीटर डिस्टेंस है, एंड वट इज द स्पीड, यहां पर स्पीड है 4 किलोमीटर पर आर। जो टोटल टाइम लगा है, देखिए यहां पर कुछ टाइम आएगा टी वन, यहां पर कुछ टाइम आएगा टी टू, द टोटल टाइम इज गिवन टू मी, टी वन प्लस टी टू मतलब टोटल टाइम मुझे कितना दिया है, मुझे दिया है 5 hours 48 minutes, तो उसको 5 48/60 कर दूंगा मैं मिक्स फ्रैक्शन, तो इट्स गोइंग टू बी 6 7 8, 6 8s are 6 10s are and 2 4s are 2 5s are 12 4s are 5 5s are 25, ये आ जाएगा 29/5 टोटल टाइम, कितना 25 आवर्स में। ओके, इट्स गोइंग टू बी इन आवर्स। आपसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन, अब आपसे आपको डिस्टेंस बेसिकली कैलकुलेट करनी है। अब आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस y। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वल डिस्टेंस मुझे दिए, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है वॉकड बैक, उसने ए टू बी ट्रैवल किया फिर वापस बी टू ए आया। यहाँ पर x क्या है 25 और y क्या है 4 किलोमीटर पर आर। इफ आई पुट द वैल्यू 25, 2 × 25 × 4 / 25+4, इट्स गोइंग टू बी 200/29 किलोमीटर पर आर। ये आ गई मेरी एवरेज स्पीड। अब जनरल फॉर्मूला क्या है मेरा, मेरा होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस।
आपको क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी की डिस्टेंस कितनी डी, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी जाएगी 2d। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम आपने कितना कैलकुलेट किया है, टोटल टाइम आपने 29/5 कैलकुलेट किया है, 29/5। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, एवरेज स्पीड आपकी आई है 200/29 इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू 29/5 इज इक्वल टू 2d। 29 से 29 कैंसिल, 5 40 टाइम्स और 2d की वैल्यू 40 आ जाएगी और यहाँ से डिस्टेंस d आ जाएगी, एक मतलब ए टू बी वाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 40 आ गई तो ए टू बी की डिस्टेंस कितनी जाएगी 20 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 20 किलोमीटर। तो किस तरीके से एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज की कॉन्सेप्ट क्लास में आपको मज़ा आया होगा, कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट सीरीज कैसी लग रही है। ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा सभी RIMC एस्पिरेंट्स को, बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।